नमस्ते, मैं हूँ के शिक्षा गुरु और आप देख रहे हैं के शिक्षा गुरु संस्कृत यूट्यूब चैनल। और इस चैनल पर जो है संस्कृत भाषा की जो है व्याकरण पूरी की पूरी पढ़ाई जा रही है। इस दौरान ये जो आपका कंटिन्यू वीडियो है ये पार्ट 23 है। इसके अंतर्गत जो है अभी हमारे जो है 15 टॉपिक क्लियर हो गए और कुल 25 टॉपिक पढ़ाए जाने हैं। इस टॉपिक के अंदर जो है अभी संस्कृत के प्रत्यय चल रहे हैं, प्रत्यय के अंदर भी जो कृत प्रत्यय पूरे पढ़ा दिए, तद्धित प्रत्यय चल रहे हैं। तो बिना देरी के आज का जो है क्लास शुरू करते हैं। तो अगर आप पूरा देखना चाहते हो कि हमारे चैनल पर जो संस्कृत व्याकरण है वो सूत्रों के अनुसार, उदाहरणों के अनुसार जो है अच्छे से पढ़ाई हुई है, तो आप हमारे आई बटन क्लिक करके या फिर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के या फिर जो है हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के लाइव लिंक क्लिक कर सकते हो। इसके अलावा वहां पर बहुत सारी लिंक्स आपको मिलेगी। वहां पर जो है कक्षा 6 से 10वीं तक संपूर्ण संस्कृत पढ़ाई और रीड संस्कृत भाषा का जो संपूर्ण कोर्स चल रहा है, और उसके दौरान जो है आपके बैकग्राउंड टीचिंग की जो लिंक्स है वो भी क्लिक करके आप पढ़ सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर जो कुल जो है आपके 7 प्रत्यय पढ़े जाएंगे, खय प्रत्यय, इमनिज प्रत्यय और मयट प्रत्यय, इनी प्रत्यय, ठन प्रत्यय, ठन प्रत्यय के बाद में जो है आपका ठय प्रत्यय और उसके बाद में ठप प्रत्यय, इस तरह से आपके 7 प्रत्ययों का अध्ययन इसमें कर रहे हैं। बाकी के जो आपके 78 प्रत्यय वो कंटिन्यू में चलते रहेंगे। आज जो है 12 प्रत्यय इस वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएंगे, मतलब तद्धित प्रत्यय के 12 प्रत्यय है जो क्लियर हो जाएंगे। पीछे के 2 पार्ट के अंदर जो है आपके 5 प्रत्यय क्लियर हो गए थे, यहां पर 7 प्रत्यय क्लियर करने जा रहे हैं। शुरुआत में लंबे बन रहे हैं वीडियो क्योंकि इनके जो सूत्र ज्यादा है, लेकिन इसके बाद में जो है प्रत्यय आने वाले हैं उनके जो है बिल्कुल ही कम समय में क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि जो प्रत्यय जितना होता है उतना पढ़ना पड़ता है। तो शुरू करते हैं। तो ये आपके मत्तो प्रत्ययों के दौरान जो है आपके यहां पर देख सकते हो, ये आपके 6ठा प्रत्यय है। तो इस 6ठे प्रत्यय का नाम ख प्रत्यय कह सकते हो या खय प्रत्यय कह सकते हो। इसके लिए हम सूत्रों से अध्ययन करेंगे। तो यहां पर कुल आपके जो है 9 सूत्र होंगे। तो हम आपको बता दें कि ये आपके 6ठा प्रत्यय है, और इसी तरह से हम जो है 78 प्रत्ययों का अध्ययन करवाएंगे। जो तद्धित प्रत्यय के अंदर 78 प्रत्यय काफी बड़ी संख्या में होते हैं, तो सबका अध्ययन हम करवाने वाले हैं। तो आप ध्यानपूर्वक अध्ययन करते रहें। तो यहां पर सूत्रों से अध्ययन करेंगे। तो सूत्र से क्या होता है कि सूत्र एक परिभाषा होती है, और उसी माध्यम से जो है आपके यहां पर जो सूत्र के अंदर उदाहरण भी आपको मिलेंगे। तो मतलब आप जड़ से पढ़ रहे हो, पूरा पढ़ रहे हो, किसी तरह से आप जो फॉर्मेलिटी नहीं कर रहे हो। अगर संस्कृत व्याकरण में आप कोई फॉर्मेलिटी कर रहे हो, इसका मतलब आप जो है कुछ नहीं पढ़ रहे हो। आप फॉर्मेलिटी कर रहे हो मतलब आप मतलब एक कहावत है कि कोई भी काम नहीं होना अच्छा है, लेकिन अस्पष्ट होना बहुत ही बुरा है। यानी किसी भी काम को करो ही मत, अच्छी बात है, लेकिन उसको अस्पष्ट कर रहे हो सबसे बुरी बात है, उसको छेड़ना नहीं। तो संस्कृत आप पढ़ना चाहते हो तो सूत्रों से पढ़ो। तो संस्कृत के सूत्रों के माध्यम से हम यहां पढ़ा रहे हैं। देखिए मत्तो प्रत्यय जो अपना तद्धित प्रत्यय का सबसे पहला अण प्रत्यय है, उसको हम 27 सूत्र पढ़ाए थे। तो वहां लगभग 30-40 उदाहरण भी दिए थे। तो मैं सीधा अण प्रत्यय शुरू करूं, 40 उदाहरण देऊं, आप खुश हो जाओगे? नौ, वहां पर 27 सूत्र थे। एक एक सूत्र को हमने तोड़ तोड़ करके जो है संधि विच्छेद करके, आपको अगर संधि आती है तो सूत्र आप खुद ही तोड़ सकते हो, खुद ही कर सकते हो, समझ सकते हो, लेकिन आपके इतना टाइम नहीं है, तो हम विशेष रूप से यहां करवा रहे हैं। तो यहां पहला सूत्र देखिए, आयने यीनी यय फढ ख छ घाम प्रत्यादि नाम। तो ये आपका पहला सूत्र है, और ये सूत्र केवल इस ख या खय प्रत्यय के अंदर ही नहीं है, यह आपके 5 जगह काम आता है। कितनी जगह काम आता है? 5 जगह। तो यहां ध्यानपूर्वक देखिए, पहले भी पढ़ाए हुए 2-3 प्रत्यय पढ़ाए हुए, तो यहां ध्यानपूर्वक देखिए। एक तो आपके आयन दिख रहा है, आयन ने हलंत हुआ, अंदर से क्या निकला ए, और इधर क्या है यह हलंत कर दो, यह के अंदर से क्या निकला बड़ी ई, और उसके बाद में नए हलंत कर दो, नए के अंदर से क्या निकली बड़ी ई, उसके बाद में यह हलंत कर दो, यह के अंदर से छोटी ई निकली, फिर यह को हलंत करो भैया, क्योंकि यह बहुवचन में लिखा हुआ है। तो आयन एज ईन ईज इज, ये कितने शब्द निकले भैया? ये यहां पर शब्दांश लिखे हैं 5। उसने कहा है कि फ ड ख छ घाम, यहां पर लिखा है इसने फ, और उसके बाद में लिखा ढ, और उसके बाद में ख, उसके बाद में छ, और उसके बाद में घ। तो यहां इसने कहा फ प्रत्यय होगा उसका आयन आदेश होगा, ढ प्रत्यय होगा उसका ए आदेश होगा, ख प्रत्यय होगा उसका ईन आदेश होगा,
छ प्रत्यय होगा उसका ई आदेश होगा, घ प्रत्यय होगा उसका ई ई आदेश होगा। घ का ई ई छोटा होता है, जैसे राष्ट्रीय शब्द में घ प्रत्यय है तो राष्ट्रीय शब्द है उसके अंदर ई प्रत्यय लगाता है, ये पढ़ा हुआ है। तो अब यहां पर जो है हम इसी तरह से नौ सूत्रों से जो है आपका ख प्रत्यय या ख प्रत्यय है वो हम पढ़ाने जा रहे हैं। तो यहां पर ख का ईन आदेश होता है, ये चीज आपने सीख ली है। स्क्रीनशॉट लेकर के आप जो है इस तरह के सूत्रों की व्याख्या जो है आप अपने कब्जे में रख सकते हो। अब पहला सूत्र यहां पर आपने समझ लिया कि ख प्रत्यय है उसका शेष भाग या फिर कुछ क्या बचता है ये रहता है। देखिए ये हिंदी के प्रत्यय आयन ए इन ए, तो ये हिंदी के प्रत्यय है, वो नहीं जानते हैं कि संस्कृत का मूल प्रत्यय क्या है। मूल प्रत्यय तो ख है और उसका इन आदेश होता है, जो आदेश होता है वो हिंदी का प्रत्यय हो गया। तो चलिए आप देखिए आगे, अब सूत्र नंबर दो आपके सामने है, राष्ट्रवार पाराद खगौ घखौ। तो यहां पर देखिए एक शब्द है राष्ट्र और उसके अंदर दीर्घ संधि है एवार पाराद, पंचमी विभक्ति है, और उसके बाद में घखौ यानी घ और ख प्रत्यय होता है। तो राष्ट्र के अंदर तो घ प्रत्यय होता है, तो घ को क्या आदेश होता है, ई आदेश होता है, वो आपको पता है। तो राष्ट्र का क्या बनेगा, राष्ट्रीय, ये आपका संस्कृत का सही है। हिंदी वाले कैसे लिखते हैं, राष्ट्रीय, ये सही लिखते हैं। तो होता है वो होता है, जो नहीं होता है वो नहीं होता है, जो होता है वही अपने को मानना है, अपने मन से कुछ नहीं। ये संस्कृत में राइट है, ये हिंदी में राइट है, ये तो इसकी बात चल रही है, क्योंकि अपन जो है खै प्रत्यय पढ़ रहे हैं तो बात उसी की करेंगे। तो इसमें कहा एवार पार है, उसके अंदर जो है आपके ख प्रत्यय जुड़ेगा। तो ख प्रत्यय को क्या आदेश होता है, ख या ख प्रत्यय कह सकते हैं, नो प्रॉब्लम, दोनों बात एक है, ये आपके लोप हो गया। फिर खैरा, और ख का क्या आदेश होता है, एवार पार। अब इसके अंदर ख के अंदर जो है आपके ईन शेष रहता है, ईन, ओके। उसके बाद में जो है आपके यहां पर जो है अवार पार, इसके अंदर जो रह के अंदर टी भाग है उसका लोप हो गया और यहां पर ईन शेष रहा। अब यहां पर रहा एवार पा, रह के अंदर ये वाला ई जुड़ गया तो रीन बन गया, ठीक है ना, रीन बन गया। तो अब क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अपन जो ऐसा शब्द बन गया तो इसको जो है क्या करेंगे, एवार पा रीन कर देंगे। क्यों, क्योंकि यहां पर जो है ये आपके रह आ गया ना, रह रसाभ्याम नौणे सूत्र है, उसके अंदर नय को नय आदेश होता है, ये आपके संधि की बात है। अब इसका प्रथमा एक वचन में होगा एवार पारिण, ये आपके शुद्ध शब्द है। तो एवार पार प्लस खय, इसका मतलब एवार पारिण, यानी इसके अंदर ईन जुड़ गया तो ईण बन गया। बहुत सारे बच्चे हमको पूछते हैं कि सर हुआ कैसे, क्योंकि हम पढ़ाते हैं लंबे समय से, तो वो पूछते हैं कि ये हुआ कैसे, तो उसको समझाने में बहुत टाइम लग जाता है और एक एक शब्द कहां समझाए, इसलिए हम जड़ से ही पढ़ा रहे हैं कि कौन सा शब्द हुआ कैसे। तो यहां दो चीज याद रखनी है कि राष्ट्रवार पाराद खगौ सूत्र से एवार पारिण शब्द बनता है, और उसका जो है प्रकृति प्रत्यय एवार पार और खय होता है प्लस खय। इंपोर्टेंट सूत्र है तीसरा ग्रामात, पंचमी एक वचन है, ग्राम शब्द के साथ में जो है आपका यह प्रत्यय होता है या फिर खयऊ, तो यहां पर द्विवचन है, मतलब दो प्रत्यय ही होते हैं यहां पर, ग्राम प्लस खय प्रत्यय। तो यहां आपको पता है ग्राम शब्द के साथ खय प्रत्यय जुड़ा, खय का यह चला गया और खय को ईन आदेश हुआ, यह याद रखना। तो यहां पर ग्राम के अंदर जो है अह उसको टी भाग कहते हैं, उसका लोप हो गया, यहां पर ग्राम प्लस ईन हुआ, फिर आपके जो है ग्रामीण हुआ क्योंकि मैं के अंदर ई आ गया, फिर आपका जो प्रथमा एक वचन में ग्रामीण है, ये ग्रामीण शब्द है ना, इसके अंदर ईन प्रत्यय है और ये तद्धित प्रत्यय है। अब आपका चौथा सूत्र है युष्मद अश्मद यो अन्य तरश्याम, तो यहां पर एक शब्द है आपका युष्मद और एक शब्द है आपका अश्मद। तो यहां पर अन्य तरस्याम लिखा है, अन्य तरस्याम का मतलब होता है एक सूत्र एक प्रत्यय, यहां पर और लग रहा है और क्या,
खय प्रत्यय भी लगेगा और यहां पर खय प्रत्यय भी लगेगा। तो वो कौन सा लगा गया है? युष्मद और अश्मद के साथ में एक प्रत्यय लगता है, वो छह प्रत्यय लगता है जो हमने पढ़ लिया, और उसके अलावा खय प्रत्यय होता है वो यहां पढ़ रहे हैं। तो देखिए युष्मद शब्द है, उसके साथ में जो है आप खय प्रत्यय जोड़ेंगे। ध्यानपूर्वक देख लेना स्टेप वाइज स्टेप। तो खय प्रत्यय का दूसरा स्टेप ये बनेगा, युष्मद के साथ में खय का क्या बना दो, सीधा इन ही बना दो ना। फिर उसके बाद में युष्मद का युष्माक बनेगा, क्या बनेगा, युष्माक, और युष्माक के साथ में जो है इन जुड़ेगा। ये आपके अगला स्टेप। उसके बाद का स्टेप यह है कि युष्माक के अंदर जो है आदि वृद्धि आदेश होगा, योष्माक बनेगा, योष्माक प्लस इन। अब आपके जो है यहां पर टी भाग का लोप होगा, तो यहां पर योष्माक और उसके बाद में इन। अब आपके जो है इसके साथ में जुड़ जाएगा योष्माकीन, यह शब्द आपके बड़ा योष्माकीन। अब आपको पता है जैसे ग्रामीण शब्द बना, एवार पारीन शब्द बना, उसी तरह से यह बन गया, तो इसका क्या बनेगा, योष्माकीन, क्योंकि यहां षटकोण आ रहा है रसाभ्याम सूत्र से, ऐसा बनेगा योष्माकीन। तो ये आपके युष्मद का बना। इसी तरह से अश्मद का बनेगा, अश्मद का क्या बनेगा, अश्मद का अश्माक बनेगा, अश्माक बनेगा, फिर क्या बनेगा, अश्माक यहां पर आदि वृद्धि है तो ए का आदि होगा, अश्माक बनेगा। फिर अश्माक के बाद में क्या बनेगा, अश्माक के बाद में आप जानते हो कि अश्माक का क का जो है उसका, उसके अंदर जो टी भाग है उसका लोप होगा, फिर क्या बनेगा, अश्माकीन बनेगा, और उसका क्या बनेगा, अश्माकीन है। तो हमने पूरा प्रोसेस बताया। सीधा आपको बता दे कि युष्मद प्लस खय इज इक्वल टू योष्माकीन है, अश्मद प्लस खय इज इक्वल टू आश्माकीन है, योष्माकीन है, आश्माकीन है, ये शब्द है जो आपके खय प्रत्यय के हैं, और युष्मद के साथ में खय प्रत्यय जुड़ा योष्माकीन है शब्द बना, अश्मद के साथ जुड़ा आश्माकीन है बना। यह प्रोसेस आपने समझ लिया, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पांचवा सूत्र यह है तवक मम कयो वेक वचनम। तो यहां देख सकते हो एक शब्द है आपका तवक और एक शब्द है ममक, और उसके बाद में आप देख सकते हो यहां पर औ आदेश हुआ है, क्योंकि यहां पर आव है वृद्धि संधि से औ आदेश हुआ, तवक ममक यानी द्विवचन बन गए, प्रथमा विभक्ति रामे रामू की तरह, और यहां पर वह के अंदर से एक निकला एक वचने। तो ये कहना चाहता है कि एक वचन में जो आपका युष्मद है, युष्मद पहले आता है उसको तवक आदेश होगा, तवक आदेश होगा, युष्मद का जो है आपके तवक आदेश होगा। अगर बाद में कौन सा प्रत्यय होगा, खय प्रत्यय या फिर अण प्रत्यय, क्योंकि ये सूत्र हमने अण प्रत्यय में भी पढ़ा, इनमें से कोई भी एक होगा तो युष्मद को तवक आदेश होगा और अश्मद को जो है आपके ममक आदेश होगा, ये आदेश होगा अगर बाद में ये दोनों प्रत्यय आएंगे। तो फिर क्या रूप क्या बनेगा, जैसे तवक है ये आदेश हो गया एक वचन अर्थ में, क्योंकि आपने जो युष्माकीर्ण पढ़ा था वो तो बहुवचन था, अब तवक है वो आपके युष्मद है, इसके अंदर जो है आपके खय प्रत्यय आया, तो आपको पता है खय प्रत्यय का क्या बनाना है और तवक का क्या लोप करना है। तवक के क का अंदर का लोप हो गया और उसके अंदर ईन जुड़ गया, तो यहां पर शब्द बना तवकीन, तवकीन शब्द बना। अब इसका क्या क्या करना है? आपको पता है एक तो आदि वृद्धि करनी है, तय का क्या करना है, ता व और की, और फिर बाद में क्या है, ने आदेश करना है प्रथमा विभक्ति बहुवचन में आपके तावकीर्ण है, यह शब्द बनेगा यहां पर। लेकिन ध्यान रहे यहां पर ने नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि यहां पर पूरे शब्द में र और शय नहीं है, रसाभ्याम नौणय सूत्र कहता है कि पूरे तावक शब्द के अंदर र और शय आ जाता तो यहां पर ने बनता नहीं, तो यहां पर ने ही रहेगा, यह शब्द सही है, ने गलत होगा। उसी तरह से यहां पर अश्मद का जो ममक शब्द बना है उसके अंदर भी आपका खय प्रत्यय जुड़ेगा, तो ममक का आपके जो है
क के अंदर जो उपधा है टी उसका लोप हो गया और उसके अंदर ईन प्रत्यय जुड़ा, तो यहां पर शब्द बनेगा ममकीन। ममकीन का क्या बनेगा भाई, मैं का मां बन जाएगा मामकीन है, मामकीन है शब्द बनेगा। तो आपके यहां शब्द बनाना है, ये सीधा सीधा लिखना है। देखिए जो आपके युष्मद प्लस खाएं तो उसके दो शब्द बनेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में दूसरी चीज लिख रहे हैं, दूसरी चीज यह है कि यहां पर सूत्र नंबर 4 और 5 दोनों को देख लेते हैं। यहां पर इसने कहा कि युष्मद शब्द है, उसके अंदर आपका खय प्रत्यय जुड़ेगा तो क्या बनेगा, वो आपको अभी पढ़ाया युष्मा कीर्ण बनेगा। लेकिन यहां पर इसने कहा युष्मद शब्द के अंदर जो आपका खय प्रत्यय जुड़ेगा तो आपके क्या बनेगा, तावकीन बनेगा, तावकीन है ये शब्द बनेगा और यहां पर यह शब्द बनेगा। सिचुएशन क्या है, युष्मद खाएं, युष्मद खाएं। लेकिन आपको प्रश्न यह पूछा जाएगा युष्मा कीर्ण कौन से सूत्र से बना, युष्मद अस्मद दो रण्य तरश्याम खाएं जैसे, और तावकीन कौन से सूत्र से बना, तमक तबक ममकाओ एक वचने से। उसी तरह से अस्मद का क्या बनेगा भैया, अस्मद प्लस खाएं प्रत्यय से जो आपके अस्मा कीर्ण बनेगा, अस्मा कीर्ण, यहां पर आदि वृद्धि नहीं होगा और यहां पर जो है अस्मद के साथ में खाएं प्रत्यय इस सूत्र के अनुसार जुड़ेगा तो यहां पर अस्मा कीर्ण बनेगा, यहां पर जो है आदि वृद्धि हो रहा है। तो यह भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपके छठा सूत्र है आत्मावधानौखे, यहां पर द्विवचन है, मतलब यहां पर एक तो शब्द है आपके आत्मन और यहां पर आत्मा प्लस अवधान, तो यहां पर एक शब्द और है वो है आपके यहां देख सकते हो अध्वन शब्द है, ठीक है ना। यहां पर आत्मावधनौ तो ये आपके जो है यहां पर ध आधा है क्योंकि यहां पर अध्वन शब्द है, ओके। तो आत्मावधनौ ध्रय आधा है तो अध्वन शब्द है, आत्मन का मतलब आत्मा, अध्वन का मतलब मार्ग। इन दोनों के साथ में क्या सिचुएशन है, खे, खे का मतलब खय प्रत्यय, खय प्रत्यय होने पर ये सूत्र क्या कहते हैं, खय प्रत्यय होने पर प्रकृति भाव होगा। प्रकृति भाव किसे कहते हैं भाई, प्रकृति भाव किसे कहते हैं, जैसा है वैसा का वैसा रहना। तो मतलब क्या, मतलब ये कि यहां पर आत्मन शब्द है उसके साथ में खाएं प्रत्यय जुड़ा तो इसके टी भाग का लोप नहीं होगा। यहां टी भाग क्या है, मैं के अंदर वाला अ और न अंतिम हल और उससे पहले वाला स्वर, ये आपके जो है दोनों टी भाग है उसका लोप होना चाहिए। लेकिन ये कहता है आत्मवधनौखे सूत्र कहता है कि यहां पर जो आपके आत्मन शब्द है उसके अंदर जो है खय प्रत्यय का ईन बनेगा, ऐसा का ऐसा जुड़ेगा तो यहां शब्द बनेगा आत्मनीन, ये शब्द बना आत्मनीन, ये शब्द बना। और इसका जब रूप चलेगा तो ये शब्द बनेगा आत्मनीनम, आत्मनीनम यह शब्द आपका सही बनेगा। उसी तरह से आपके अध्वन शब्द है तो अध्वन शब्द के अंदर भी आपका खय प्रत्यय जुड़ा और उसके बाद में जो है आपका खय का ईन बना तो यहां पर क्या बनेगा, अध्वनीन बनेगा और अध्वनीन का क्या बनेगा, अध्वनीनम। तो यहां अध्वनीनम और आत्मनीनम के अंदर खय प्रत्यय, तो यहां नीनम नीनम दिख रहा है, खय कहां दिख रहा है, याद रखना है खय प्रत्यय का क्या होता है, जो आपके इन आदेश होता है। स्क्रीनशॉट तो आप ले रहे हो ना, इस तरह से आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करते रहे और पूरा कोर्स देखिए। अभी तक तो आप चैनल को देख रहे हो तो मैं समझता हूं कि आपको समझ में आ रहा है और आपको अच्छा लग रहा है, तो अपने सारे मित्रों को शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप फेसबुक पे सबको शेयर कर दीजिए और शेयर बटन दबा करके जब आप व्हाट्सएप पे क्लिक करते हो तो नीचे कुछ लिखने को मिलता है, वहां पर जो चाहे आप वो लिख सकते हो और अपने सारे ग्रुप में शेयर कर सकते हो। अभी तक देख रहे हो मतलब आपको जो है बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। तो चलिए अगला आपके साथ में देखते हैं, तो यहां आपके जो है सूत्र नंबर सात, सातवां सूत्र है आत्मन विश्वजन भोगोत्र पदाच्य। तो ये कहता है एक तो आत्मन शब्द के अंदर और एक आपके विश्वजन शब्द के अंदर, विश्वजन शब्द के अंदर और एक जो आपके
भोग उत्तर पद होना चाहिए, भोग उत्तर पद होना चाहिए ऐसे शब्द की, ऐसे शब्द से जो है आपके पदार्थ पंचमी एक बार ऐसे पद से कौन सा प्रत्यय होता है, खाए प्रत्यय होता है। लेकिन ये जो है आपके तीन शब्द है, ये तीनों के तीनों किसके लिए होना चाहिए, कल्याणकारी अर्थ में होना चाहिए, कल्याणकारी अर्थ में होना चाहिए। यह बात आपको समझ में आ गई। अब यहां पर आत्मन का तो अपने अभी पढ़ लिया आत्मनीनम, अब यहां पर विश्वजन, विश्वजन प्लस आपका खाय प्रत्यय, तो आप जानते हो न कि ए का लोप हुआ, यहां पर लोप हो रहा है, और विश्वजनीन शब्द बना, तो विश्वजनीन शब्द बना उसकी जगह आप बना सकते हो ना विश्वजनीनम। विश्वजनीनम का मतलब होता है विश्व के लोगों के लिए जो है कल्याणकारी, विश्व के लोगों के लिए कल्याणकारी। अब ये भोग उत्तर पद होना चाहिए, जैसे यहां हमने एक शब्द लिखा मातृभोग, मातृभोग शब्द है, भोग से पहले पूर्व पद है, तो भोग क्या है उत्तर पद है, तो जहां भोग उत्तर पद होता है वहां पर आप खय प्रत्यय लगा सकते हो, तो यहां पर भोगीन शब्द बन जाएगा, तो यहां पर शब्द होगा मातृभोगीनम, मातृभोगीनम ऐसा शब्द बनेगा, तो इसका मतलब होता है माता के शरीर के लिए जो है आपके कल्याणकारी। इस तरह से इनके अर्थ होते हैं, लेकिन आपको यह याद रखना है विश्वजनीनम मातृभोगिनम आत्मनीनम, इसके अंदर जो है आपका खाय प्रत्यय है। स्क्रीनशॉट लेकर के सूत्र व्याख्या और उदाहरणों को संग्रह कर सकते हो। अब यहां पर आठवां आपके सूत्र है, एक तो आपके धन्य शब्द है, ठीक है ना, यहां पर धन्य, ठीक है, जो आपके यहाँ हम कह सकते हैं कि धन्य नहीं है, धान्य है, धान्या नाम धान्य शब्द है, उसके योग में भवने यानी घर अर्थ में और क्षेत्र यानी खेत अर्थ में, ठीक है ना, इन दोनों के अर्थ में जो है आपके खाएं प्रत्यय होता है। तो धान्य के अर्थ में एक तो घर अर्थ होना निकलना चाहिए, एक खेत अर्थ निकलना चाहिए, तो वहां पर जो है आपके खाएं प्रत्यय लगेगा। जैसे यहां पर हमने लिखा मुदग, मुदग का मतलब होता है मूंग, उसके साथ में खाएं प्रत्यय जोड़ो, तो यहां आपको पता है मुदग के अंदर जो है गय का अंदर वाले अ का जो है आपके अंतिम उपदा है टी भाग है, उसका लोप हो गया और यहां पर ईन आदेश हो गया, तो यहां शब्द क्या बनेगा मुदगीन का जो है मुदगीन बन जाएगा, मुदगीन है, मुदगीन है शब्द बना। अब मुदगीन का अर्थ क्या होता है, मुदगीन का मतलब होता है मूंग का घर, मूंग का घर या फिर मूंग का खेत, ये इसका अर्थ होगा, ठीक है ना। अर्थ से क्या लेना है आपको, तो सीधा ये समझना है मुदगीन है, तो यहाँ पर धान्य अर्थ में जो है आपके जो जिस तरह से मूंग है उसी तरह से जो भी धान्य है उस धान्यों के साथ में खाएं प्रत्यय लगा सकते हो। ये नवा सूत्र है, केवल एक शब्द का निर्माण करेगा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है यंग वीनम संज्ञायाम, यानी है यंग वीन समझना चाहिए। है यंग वीन क्या है, देखिए है यंग वीन शब्द है वो आपके जो है यंग वीनम शब्द है, और इसके अंदर जो है आपके जो आपका खाएं प्रत्यय है वो आपके जो है हयो गोदोह, ये शब्द है हयो गोदोह, ये शब्द है, तो यहां पर जो है आपके गो दो है, इस तरह से जो है आपका ये शब्द है गो दो है। हयो, हयो का मतलब आप जानते हो ये हय है, ये इसका मतलब होता है कल, कल गो यानी गाय और दोह यानी दुई थी, कल गाय दुई थी, मतलब आज उसका क्या बन गया है, जो भी बन गया है दही बन गया है मक्खन बन गया है उसको हयो गो दोह कहते हैं। अब जब हयो गो दोह शब्द के साथ में खाएं प्रत्यय जोड़ेंगे ना तो आपके जो है खाएं प्रत्यय खय नहीं है खाएं, तो ये खय प्रत्यय जोड़ेंगे तो हयो गो दोहे को जो है आपके हेयंग आदेश हो जाएगा, हेयंग, हेयंग आदेश हो जाएगा, तो जब इसका हेयंग आदेश होगा तो इसके साथ में जो है आपके यहां पर जो प्रत्यय जुड़ेगा
वो यहाँ पर आपकी जो खाए परते जुड़ेगा। तो ये समझना है कि यहाँ पर हेयंग वेन शब्द बना, उसके अंदर जो पहले शब्द था वो हयो गोदो शब्द था, हयो गोदो को हेयंग गु आदेश होगा, हयंग नहीं होगा, हेयंग गु आदेश होगा, उसके अंदर खाए परते जुड़ेगा। फिर वापस वो शब्द बनाते हैं, देखिए यहाँ पर हेयंगु का आपको पता है हेयंग और उसके अंदर क्या है ऊ है और उसके बाद में खाए परते हैं, तो आप जानते हो कि जो होता है वो तो होता ही है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ऊ है उसको ओ आदेश हुआ और ओ को अब आदेश हुआ, ठीक है। वन तो ये प्रत्यय सूत्र से हेयंग और ऊ का अब आदेश कर दो सीधा, और उसके बाद में खय का क्या कर दो, ईन कर दो, ठीक है ना। खय को ईन आदेश होता हर जगह, तो यहाँ पर क्या शब्द बना भैया हेयंग, ग के अंदर क्या आ गया, अंदर अलन था उसके अंदर ए आ गया और वह आधा हो गया, ठीक है ना, वह आधा हो गया, उसके अंदर ई आ गया, हेयंग वीन शब्द बना, और हेयंग वीन जो अलंत वाला था उसका वीनम शब्द बन गया, जिस तरह से पूर्ववर्त सूत्रों के अंदर बनाया हुआ आया है। तो हेयंग वीन शब्द है वो बन गया। शुरुआत में क्या था, हयो गोदोह शब्द था, ठीक है ना, हयो गोदोह शब्द यहां पर आप देख सकते हो, सिचुएशन ये थी, हेयंग वीन शब्द यहां से काट दो, शुरुआत में हयो गोदोह शब्द है उसके साथ में खय परते जड़ा, हयो गोदोह का हेयंगु आदेश हुआ और हेयंगु का जो ऊ था उसका जो आव आदेश हुआ और उसके अंदर इन जुड़ा, तो हेयंग वेनम शब्द बना। इसी तरह से ये आपके नौवा सूत्र क्लियर हुआ, और इस हेयंग वेन शब्द का मक्खन घी दही और जो आपके छास यानी कि जो कल गोदोही थी उसका जो आज बना है उसको कहते हैं। आ रहा है समझ में? चलिए आ रहा है तो नोट डाउन करते रहिए और कमेंट में जरूर बताएं, शेयर जरूर करें। अब शुरू करते हैं सातवां और इम्पोर्टेंट प्रत्यय इमिनिच। अब आपका जो तद्धित प्रत्यय का इमिनिच प्रत्यय है, तो इमिनिच प्रत्यय का शेष क्या रहता है भैया, देख लीजिए, इमिनिच प्रत्यय है उसके अंदर इमन और उसके बाद में ई और उसके बाद में च, अलंत्यम उपदेशे बाकी क्या रहा, इमन शेष रहा, तो इमनिच का इमन जुड़ेगा और बाद में जो संधियां होती रहेगी और शब्द बनते रहेंगे कि इसमें क्या शब्द बनते हैं तो देख देते हैं अपन खुद। सूत्र नंबर एक कहता है कि यहां पर है पृथ्वी आदि आदिव्य इमनिच वा, तो यहां पर जो है आपके इमनिच वा, ठीक है ना, यहां पर जो है आपके जस्त्व संधि से जय चय का जय बन गया, तो यहां पर इमनिच वा ये शब्द है, आप देख रहे हो ना, ये देख रहे हो। चलिए तो यहां पर पृथ्वी आदि शब्दों के साथ में जो है आपके इमनिच शब्द बनेगा, सॉरी यहां पर पृथ्वी नहीं है, आप देख सकते हो शब्द को स्पष्ट रूप से संधि विच्छेद करता है तभी समझ में आता है, पृथ्वा तो वह से पहले आधा अक्षर होता है तो वह का ऊ बन जाता है, तो पृथु पृथु शब्द है, इन शब्दों के आदिव्य आदि शब्दों के साथ में इमनिच प्रत्यय जुड़ता है। तो यहां पर एक सूत्र है, ठीक है ना, उस सूत्र से इसका जो है एक सूत्र है उसको भी यहां पर लिख देते हैं, सूत्र नंबर दो। सूत्र नंबर दो क्या है, टे टे यह कहता है कि जो पृथु आदि शब्द है उसके अंदर जो टी भाग है, तो यह टी भाग है भैया, ये क्या है टी भाग, उसका मैं लोप करता हूं, तो कर दे भाई, वो तो पहले ही हो रहा था, तो यहां पर टे सूत्र से इसका लोप होता है। तो यहां पर और क्या होता है, सूत्र नंबर तीन एक आपका बहुत बड़ा है लेकिन उसका यहां पर जिक्र नहीं करेंगे, वो सूत्र तो सिंपली बात कहता है कि यहां पर पृथु के अंदर जो पृथ बना है, इस पृथ के अंदर जो है हम जो है ये पृथ है उसको पृथ आदेश करते हैं, पृथ को पृथ कर देते हैं, तो कर दे भैया, अपन ने किया क्या भैया, पृथु शब्द के अंदर जो है इमनिच प्रत्यय जोड़ा तब जाकर के ऐसा होता रहा। तो यहां पर जो इमनिच का इमन बन गया, ठीक है ना, इमन बन गया, तो पृथ के साथ में इमन जोड़ा, पृथ के साथ में इमन जोड़ा तो क्या बना, पृथिमन, पृथिमन शब्द बना, तो उसका जब रूप चला तो क्या बना, प्रतिमा। अब आप लोगों ने सीधा पढ़ा कि पृथु शब्द के साथ में इमनिच प्रत्यय जोड़ा तो प्रतिमा बना, बना कैसे वो हमने आपको बताया, एक शब्द क्लियर हुआ। उसी तरह से दो शब्द यहां कंटिन्यू में करवा देते हैं, एक तो शुक्ल है, शुक्ल का क्या बनेगा भाई, शुक्लिमा, ठीक है ना, कैसे बना वो, इसका प्रोसेस सेम है,
शुक्ली माँ, आप प्रोसेस अपनाओगे तो आपको अच्छे से याद हो गया। और उसके बाद में एक है आपका जो शुक्ल के बाद में एक यहाँ पर प्रतिमा शुक्ली माँ और लघु का क्या होगा लघी माँ, इस तरह से ये शब्द होते हैं, ये आपके जो है यहाँ पर बन रहे हैं जो आपके इमिनिच प्रत्यय से बनते हैं। तो एक प्रसिद्ध शब्द है जो आपके मृदु शब्द है, मृदु शब्द है तो उसके अंदर र का र बन रहा है मृदु, तो मृदिमा मृदिमा शब्द बन रहा है, ये आपके इंपॉर्टेंट शब्द हुए। अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सूत्र नंबर और तीन, ये तीसरा और अंतिम सूत्र है जो आपके यहां पर इमिनिच प्रत्यय का है। ये कहता है बहुर लोपो, बहुर लोपो मतलब बहु शब्द है उसके अंदर लोप हो जाएगा। और क्या होगा, क्या लोप होगा, किसका लोप होगा, वो यहां पर बताया है कि यहां पर जैसे आपका इमिनिच प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है इमिनिच प्रत्यय या ये सुन प्रत्यय है, इन दोनों प्रत्ययों ये सुन अभी पढ़ेंगे, इन दोनों प्रत्ययों में जो है आपका यहां पर जो है ई का लोप हो जाएगा, दोनों के ई का लोप हो जाएगा, ये समझ में आएगा। बहु शब्द के साथ में इमिनिच और ये सुन का ये जो है आपके लोप होगा, क्या होगा लोप होगा। अब ये यहां पर जो बात लिखी है उसको हम यहां पर लिख देते हैं, भू च बहु, बहु के अंदर षष्ठी विभक्ति है, बहु का भू आदेश होगा, बहु का क्या आदेश होगा भू आदेश होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो यहां पर जैसे बहु के साथ में इमिनिच प्रत्यय जोड़ा, अपने तो इमिनिच की बात करनी है, ये सुन की बात में करते रहेंगे, तो इसको क्या आदेश होगा बहु शब्द के साथ में जो है इमिनिच का इमन शेष रहेगा। अब ये पहली कंडीशन है, ये दूसरी कंडीशन है, तीसरी कंडीशन में आपको पता है यहाँ पर बहु को भू आदेश होगा और इमिनिच का जो है आपके यहाँ पर ई का लोप हो जाएगा तो मन शेष रहेगा, तो इसको मिला दो चौथी कंडीशन में भूमन शब्द बन गया। अब भूमन शब्द का जब रूप चलेगा तो यहां पर भूमा शब्द बनेगा, तो ये जो भूमा शब्द है ना इसके अंदर इमिनिच प्रत्यय है और इस भूमा का जो संधि विच्छेद है या प्रकृति प्रत्यय है वो आपके बहु प्लस इमिनिश है। इस तरह से आप कैसे करोगे, भूमा का प्रकृति प्रत्यय बहु प्लस इमिनिश है, इसको प्रोसेस में नहीं ले सकते, इसको आप लर्निंग में ले सकते हो, यानी कि प्रोसेस से यानी कॉमन नियमों से याद नहीं रहता, ये आपको अलग से रटना पड़ेगा। तो इसी के साथ में आपका इमिनिच प्रत्यय पूरा हुआ। अब आपका मयट प्रत्यय, मयट प्रत्यय आपके जो है आठवां प्रत्यय है तद्धित प्रत्यय का, कुल 78 प्रत्यय आपको पढ़ाए जाएंगे। मयट का शेष क्या रहता है, यहां पर ट कट जाता है, मय शेष रहता है, पुल्लिंग के अंदर इसका शब्द बनता है उसमें मय है बनता है, स्त्रीलिंग में गीप प्रत्यय जुड़ करके मई बनेगा और नपुंसकलिंग में मयम बनेगा। इस तरह से आपका जो है ये मयट प्रत्यय है। इसका सूत्र नंबर एक है मयट चय, यानी मयट प्रत्यय है वो हेतुवाचक शब्दों के अंदर, हेतुवाचक शब्दों के अंदर और मानव नाम, मानव के नाम वाची शब्दों के अंदर जो है मयट प्रत्यय लगा सकते हो, ये पहला सूत्र कहता है। जैसे यहाँ पर शम शब्द है, शम शब्द के साथ मयट प्रत्यय जोड़ा तो आपको पता ही है कि सममय शब्द बनेगा, सममय शब्द बनेगा नपुंसकलिंग अर्थ में सममयम शब्द बनेगा, ये हेतुवाचक हो गया। जैसे यहाँ पर देवदत्त लिखा, देवदत्त के साथ मयट प्रत्यय जोड़ा तो यहाँ पर देवदत्तमय, देवदत्तमयम यानी देवदत्त से युक्त, इस तरह से ये यहाँ पर आपके जो है शब्द बनेंगे मयट प्रत्यय के। अगला सूत्र है दूसरा मयट वई, उसके बाद में तयो। आराम से देखिए, हम हैं सूत्र को अच्छे से यहाँ पर तोड़ रहे हैं। भाषायाम, उसके बाद में ए भक्ष्य, और क्या आच्छादन, आच्छादन। तो यहाँ पर जो है वह तयो, तयो यानी उन दोनों का, भाषायाम यानी नहीं कहना चाहिए, क्या भक्ष्य, भक्ष्य यानी भोजन, और जो है आच्छादन यानी वस्त्र, ये जो है यानी नहीं होने चाहिए, ये दोनों नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर विकल्प से क्या होगा,
विकल्प से जो है आपके मयट प्रत्यय होगा। जैसे यहां पर न तो भोजन होना चाहिए न वस्त्र होना चाहिए, तो यहां पर एक शब्द लेते हैं अश्म। अश्म का मतलब पत्थर होता है, पत्थर न तो भोजन होता है न वस्त्र होता है, उसमें मयट प्रत्यय लाइए तो यहां पर क्या होगा अश्ममयम, यानी पत्थर से युक्त। यह शब्द क्लियर हुआ और यह सूत्र भी क्लियर हुआ। अब यहां पर तीसरा सूत्र है नित्यम वृद्ध शरादिव्य, उसके साथ मयट प्रत्यय होता है। तो नित्यम यानी हमेशा के लिए, वृद्ध संज्ञक वृद्ध संज्ञक शब्दों के साथ में और शर आदि शब्दों के साथ में जो है आपके मयट प्रत्यय होगा। वृद्ध संज्ञक किसे कहते हैं, जिसके शुरुआत में वृद्धि संज्ञक शब्द स्वर आते हैं उसे क्या कहते हैं, जो है आपके वृद्ध संज्ञक कहते हैं। ये पहले हमने भी समझा दिया है, वृद्ध संज्ञक शब्द कौन से होते हैं, जिसके शुरुआत में आ आई और औ आता है उस शब्द को वृद्ध संज्ञक शब्द कहते हैं। तो वृद्ध संज्ञक शब्दों के साथ में और शर शब्दों के साथ में हमेशा के लिए जो है आपके कौन सा आएगा, मयट प्रत्यय आएगा। तो यहां आप देख सकते हो जो ये आपके मयट प्रत्यय लगा है, ये आम्र शब्द के साथ में लगा गया, इसकी शुरुआत में आ है तो ये वृद्ध संज्ञक है। तो आपको पता है इसका टय कट जाएगा, आम्रमय बन जाएगा। आम्रमय के अंदर जो है आपके ये पुल्लिंग शब्द बन गया, ये आम्रमय ये आपके नपुंस स्त्रीलिंग शब्द बन गया और आम्रमयम नपुंसकलिंग शब्द बन जाएगा। इसी तरह से ये सर शब्द है, सर का मतलब तो आप जानते ही हो, नहीं जानते हो तो हम बता देते हैं, राम ने रावण को किससे मारा, तो यहां पर बन जाएगा शरमय, यानी कि जो है बाण से युक्त। इस तरह से ये अर्थ होंगे और ये शब्द बनेंगे। अगला सूत्र है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गोश्च पुरुषे, यानी गो च पुरुषे, यानी गो शब्द के साथ में जो आपके मयट प्रत्यय जुड़ेगा वो किस अर्थ में होगा, वो आपके पुरुष अर्थ में होगा। और पुरुष का मतलब क्या होता है भैया, पुरुष का मतलब होता है गोबर। तो यहां गो शब्द के साथ में मयट प्रत्यय जुड़ा तो गोमय शब्द बना, और गोमय का अर्थ क्या है, गोमय का अर्थ गोबर है। तो गोश्च पुरुषे संपूर्ण हुआ, समझ में आ गया आपको। अब मयट प्रत्यय का आपका अंतिम जो है पांचवा सूत्र है तत् प्रकृत वचने मयट। तो आप समझ रहे हो तत् यानी उसके, प्रकृत यानी प्रकृत वचने यानी अधिकता, अधिकता या प्रचुरता के अर्थ में मयट प्रत्यय होता है। ये बात आपको समझ में आ गई। जैसे अन्न शब्द है उसके अंदर मयट प्रत्यय जोड़ेंगे तो आपको पता है अन्नमय शब्द बनेगा, और अन्नमय शब्द का अर्थ क्या होता है रे, अन्न की प्रचुरता, अन्न की प्रचुरता। इस तरह से आपका जो है ये शब्द का अर्थ होगा। उसी तरह से एक अपूप शब्द ले लिया अपने, अपूप का मतलब होता है पुआ, और उस पुए की अधिकता को क्या कहेंगे अपन, उसको कहेंगे अपूपमय। तो यहां पर अपूपमय शब्द है वो आपके जो है यहां पर पुल्लिंग में भी लिख सकते हो, स्त्रीलिंग में भी लिख सकते हो, और आप जो है नपुंसकलिंग में भी लिख सकते हो। तो यहां पर पुओं की अधिकता, पुओं की प्रचुरता, इसी के साथ में आपका जो है ये जो मयट प्रत्यय यही समाप्त होता है। अब आपका जो है इनी प्रत्यय पढ़ते हैं। इनी प्रत्यय के भी छह सूत्र है। ये आपका इनी प्रत्यय जो हमने कृत प्रत्यय में आपको इनी वगैरह में कंफ्यूजन था वो इनी प्रत्यय यहां पर है। तो ये इनी प्रत्यय का इन शेष रहता है, लास्ट में ई है उसका लोप हो जाता है, इन शेष रहता है। जैसे गुण है उसके साथ में इनी प्रत्यय जोड़ा तो यहां पर जो है गुण शब्द के अंदर अंतिम उपधा का लोप होकर के इन शब्द है वो जुड़ेगा तो यहां पर गुणिन शब्द बनेगा, और गुणिन के अंदर जो है आपके इन प्रत्यय है, इसको आप लोग जो है गुणिन शब्द है, इसके अंदर आपके इनी प्रत्यय है। इनी प्रत्यय का जो है आप पुल्लिंग में लिखेंगे तो गुणी लिखेंगे, तो कुछ लोग कहते हैं कि इनी शब्द है गुण के साथ इनी जोड़ा तो गुणी बना, हुआ कैसे। बहुत सारे बच्चे हमें ऑफलाइन कोचिंग में पूछ
पूछते हैं कि इन ही है, इसके अंदर ये भी ई छोटी, ये भी छोटी, आपने बड़ी कैसे की? अरे भैया इसका इन से ऐसा रहता है, गुणी ने शब्द बना, इसका प्रथमा एक वचन में गुणी होगा और इसका स्त्रीलिंग में गीप प्रत्यय जो जोड़ करके गुणीनी शब्द बनेगा। ये गुणीनी शब्द और गुणी शब्द गुणीनी, ये इनी और ये इनी अलग है भैया। गुणीनी शब्द तो गीप प्रत्यय जुड़ा, गुणी शब्द के अंदर तब गुणीनी बना, और यहां नपुंसकलिंग में तो गुणीनी शब्द ही रहेगा। इस तरह से आपका जो है इनी प्रत्यय होता है। अब शुरू करते हैं छह सूत्रों को। पहला सूत्र है अत इनी ठनौ। अत का मतलब होता है अकारांत शब्द। अकारांत शब्द के साथ में कौन कौन से प्रत्यय जुड़ते हैं? एक तो इनी प्रत्यय जुड़ता है, एक ठन्न प्रत्यय जुड़ता है। ठन्न प्रत्यय आगे पढ़ेंगे, यहां तो अपन इनी पढ़ रहे हैं। अकारांत शब्दों के साथ इनी प्रत्यय जुड़ते हैं, तो जैसे दंड शब्द है, दंड का मतलब डंडा होता है, क्या होता है रे? डंडा होता है। तो इस शब्द के साथ में जो है आपके इनी प्रत्यय जुड़ा, तो आपको जैसे अभी जो है यहां पर जो दंड शब्द किया था, गुण शब्द किया था, उसी तरह से यहां पर शब्द बनेगा दंडिन। तो दंडिन शब्द है ये आपका जो है मूल शब्द है, ठीक है ना? दंडिन आपका क्या है? मूल शब्द है। और इसका जो है पुल्लिंग शब्द होगा वो दंडी होगा, उसका मतलब होगा डंडा वाला, वाला अर्थ करता है, ठीक है ना? और यहां पर जो ये पुल्लिंग शब्द है स्त्रीलिंग में क्या होगा? दंडिनी, दंडिनी शब्द है। और उसके बाद में जो है इसका मतलब होगा डंडा वाली। और उसके बाद में नपुंसकलिंग शब्द बनेगा, वो सेम शब्द रहेगा, ये शब्द रहेगा दंडिन, इसका मतलब भी डंडा वाला होगा। तो इस तरह से आपके जो है ये अकारांत शब्दों के साथ में इनी प्रत्यय जुड़ता है। अब ये सूत्र नंबर दो आपका क्या कहता है? पूर्वादीनी, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो यहां पर पूर्वात शब्द है, दे का तय बना दो, उसके अंदर इनी शब्द जोड़ेंगे तो जस्त वे संधि से पूर्वादीनी शब्द बना। तो पूर्वात पंचमी विभक्ति है, तो यहां मूल शब्द है आपका पूर्व। पूर्व शब्द के साथ में इनी प्रत्यय जुड़ता है, कौन से अर्थ में? द्वितीय विभक्ति के अर्थ में, द्वितीय अर्थ में जुड़ता है, ठीक है ना? अब यहां पर पूर्व प्लस इनी है, तो आपको पता है पूर्व का अ कट गया और इनी का इन शेष रहा, तो यहां पर जो है मूल शब्द बनेगा पूर्विन, और पूर्विन का पुल्लिंग के अंदर होगा पूर्वी, और ये पूर्वी शब्द है उसके अंदर इनी शब्द है, इनी प्रत्यय है। पूर्वी का मतलब ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग नहीं है, इसके अंदर इनी प्रत्यय नहीं है, गीप प्रत्यय नहीं है। कुछ लोग ऐसे कुमार का कुमारी, पूर्व का पूर्वी, अरे पूर्व शब्द है ये, पुल्लिंग नहीं है, ये आपका जो है इसके अंदर जैसे विशेषण शब्दों के साथ में ये जुड़ता है इनी प्रत्यय। धन के शब्द में जुड़ा तो धनी शब्द बना, तो धन पुल्लिंग थोड़ा ही है, पुल्लिंग तो धनी है, तो ये धनी शब्द है, इसके अंदर इनी प्रत्यय है। इसके अंदर जो है आपके गीप प्रत्यय जोड़ेंगे तो धनीनी बनेगा, ये धनीनी है ना, धनीनी, ये शब्द है स्त्रीलिंग, और धनी शब्द है पुल्लिंग, और ये शब्द विशेषण है, किसी शब्द के साथ में जुड़ सकता है। तीसरा सूत्र है शय पूर्वाच्य। तो इस सूत्र की व्याख्या यह है शय पूर्वात चय। तो यहां पर एक शब्द है स और एक है पूर्व और एक है च। तो यहां पर शय का मतलब होता है कोई शब्द, कोई शब्द हो और उस शब्द के बाद में पूर्व शब्द आ जाए तो भी च, यानी तो भी आप जो है इनी प्रत्यय लगा सकते हो। तो यहां पर अपन लगाने की कोशिश करते हैं सूत्र के अनुसार। यहां पर जैसे मैंने कृत पूर्व शब्द लगाया, यानी पूर्व शब्द से पहले कृत शब्द लगाया और इनी प्रत्यय जोड़ा, तो यहां आपको पता है कि कृत पूर्व शब्द के अंदर जो है अंतिम टी का लोप हो गया और यहां पर इन शब्द शेष रहा, तो यहां शब्द बना कृत पूर्विन। कृत पूर्विन शब्द मूल रूप से बना, वह के अंदर ये जुड़ा, नया जुड़ा, और उसके बाद में जो है आपके पुल्लिंग शब्द बनेगा कृत पूर्वी, कृत पूर्वी, ये शब्द बना, और स्त्रीलिंग में कृत पूर्विनी और कृत पूर्विन, इस तरह से शब्द बनेंगे। ये तीसरा सूत्र क्लियर हुआ। चौथा सूत्र यूं कहता है इष्ट आदिभ्यश्च, यानी इष्ट आदि शब्दों के साथ में जो आपके
यहाँ पर चय चय यानी और इष्ट आदि शब्दों के साथ में भी आपके जो है एने प्रत्यय जुड़ता है। सबसे पहले इष्ट शब्द कैसे बना, इसमें यज धातु और कत प्रत्यय है। यज का मतलब होता है यजन करना, यज्ञ करना, तो यहाँ पर इष्ट शब्द के अंदर एने प्रत्यय जुड़ा तो सिंपली आप जानते हो इष्टि शब्द बना। इष्टि शब्द का मतलब होता है इसने यज्ञ किया, इसने यज्ञ किया मतलब यज्ञ करने वाला, वाला अर्थ करता है। उसी तरह से अधि उपसर्ग पूर्वक ई धातु और कत प्रत्यय, ई धातु अध्ययन अर्थ में होता है और कत प्रत्यय होता है, तो यहां पर अधीत शब्द बनता है। इसका मतलब होता है अध्ययन करना, अध्ययन करना, तो अधीत यानी पढ़ा हुआ, अध्ययन किया हुआ। इसके अंदर इनी प्रत्यय जुड़ा तो यहां पर अधीति बना। अधीति का मतलब होता है इसने अध्ययन किया यानी अध्ययन करने वाला। इस तरह से इष्टादिव्यश्च सूत्र से दो उदाहरण बने हैं। इनी प्रत्यय का पांचवा सूत्र है केशाद वो अन्य तरश्याम। इस सूत्र के अंदर कुल चार प्रत्यय जुड़ते हैं, मतुप इनी ठन और वह प्रत्यय, चार प्रत्यय जुड़ते हैं। तो यहाँ केश शब्द है, पंचमी विभक्ति है, केश शब्द से मतुप प्रत्यय, तो केशवान। इनी प्रत्यय जुड़ेगा तो आप देख लीजिए, क्योंकि यही प्रत्यय पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर केश के अंदर ए जुड़ेगा तो केशी यानी केश वाला, ठीक है ना। मतो प्रत्यय तो केशवान, इनी से केशी, ठन से क्या बनेगा केश कह, और यहाँ पर जो है आपके वैसे केशव शब्द बनेगा। ये सभी हमने पढ़ लिए और ये भी पढ़ लिया, तो ये पांचवा सूत्र हमने चार बार पढ़ा है। और अब ये छठा और अंतिम सूत्र है जो है आपके इनी प्रत्यय का, ये आपके देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर व्री है के बाद में यह से पहले आधा अक्षर होता है तो यह का ई बन जाता है और उस आधे अक्षर के अंदर जुड़ जाता है, व्रह का व्री ही बन गया, है के अंदर आदिव्य, तो आप लोग समझ पा रहे हो यहाँ पर व्री आदि शब्दों के साथ में इनी और ठन प्रत्यय जुड़ते हैं, तो अपन को फिलहाल इनी जुड़वाना है। तो यहाँ पर जो है आपके व्रीही शब्द इनी के साथ में जुड़ा, तो ध्यान पूर्वक देखिए यहाँ पर कोई भी ऐसा कुछ नहीं है, व्रह के अंदर जो ई थी उसका लोप होगा क्योंकि अभी तक लोप हो रहा था, और शुरुआत में अत इनी ठनौ सूत्र पढ़ा था उसमें हमने ये पढ़ा था कि अकारांत शब्दों के साथ में इनी और ठन प्रत्यय जुड़ते हैं, लेकिन ये इनी और ठन शब्द के लिए एक व्री शब्द जो इकारांत शब्द है वो भी जुड़ता है, ये इस सूत्र से जुड़ता है जो उस मुख्य नियम को तोड़ता है, ऐसी बातें ध्यान रखने योग्य होती है। तो यहाँ पर जो है आपके शब्द बनेगा व्रीहीन, तो व्रीहीन शब्द का प्रथमा एक वचन में क्या होगा व्रीही, ये जो व्रीही शब्द है ना ये पुल्लिंग है, ठीक है ना, और इसका मतलब व्रह, व्रीही का मतलब क्या होता है चावल, और व्रीही का मतलब होता है चावल वाला, कौन से वाला चावल वाला, चावल वाला क्या होता है रे भैया, चावल वाला कोई खेत होता है, तो यहाँ पर व्रीही के अंदर ही बड़ा है और यहाँ छोटा है, छोटा का बड़ा बनाना है तो इन्हीं प्रत्यय जोड़ दो, इन्हीं प्रत्यय समाप्त हुआ भैया। अभी तक आप जो है बिना सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए भैया, क्योंकि बहुत ही मेहनत से वीडियो बना रहे हैं हम लोग आपके लिए। चलिए अभी ठन प्रत्यय पढ़ लेते हैं, तो इसका पहला सूत्र है अत इनी ठनौ, वो सेम टू सेम है, अकारांत शब्दों के बाद में जो है इनी और ठन प्रत्यय जुड़ते हैं, बात खत्म हुई, लेकिन बात तो अभी शुरू हुई है भैया, पहला सूत्र यहाँ समाप्त हुआ। अब सूत्र नंबर दो, सूत्र नंबर दो ये कहते हैं ठस्येकः का संधि विच्छेद करेंगे सूत्र का, तो यहाँ पर ठस्य प्लस एक आएगा, ये कहता है ठस्य यानी ठे का, किसका ठे का, षष्ठी एक वचन है भैया, ठे का एक करो, तो यहां पर तो अपने कौन सा प्रत्यय है ठन प्रत्यय है, तो ठन प्रत्यय का ठे का पहले ने का पहले लोप हो गया और ठे को जो है एक आदेश होगा, तो जो हिंदी का एक प्रत्यय है ना वो आपका ठन प्रत्यय है, और ये केवल एक ही नहीं है, ऐसे ठन के जैसे जैसे आपके जो है चार प्रत्यय है, ठक है, ठन है, ठय है और ठप है, ठीक है ना, एक तो आपका ये ठन और एक ठक और एक ठय
और एक ठप, ये सब पढ़ेंगे। इन चारों के अंदर न, क, य और प सबका लोप होगा, लेकिन इस ठ का क्या आदेश होगा रे? इसका एक आदेश होगा रे, ये आपको याद रखना है रे। तो जो रखना है वो तो रखना ही है। अभी तो अपन जो है ठन प्रत्यय पढ़ रहे हैं। चलिए एक उदाहरण देते हैं आपके, जैसे दंड शब्द है, उसके अंदर इन्हीं प्रत्यय जोड़ा तो दंडी बना, लेकिन ठन प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? यहाँ पर आपके दंड शब्द है और उसके बाद में ठन का ठ न कट गया, और उसके बाद में आपका यहाँ दंड शब्द है और उसके बाद में ठ को एक आदेश हुआ। ये ऐसा होता है भैया, कोई भी हिंदी वाला कह मत लिखना, ये हलंत वाला आदेश होता है। उसके बाद में क्या हुआ भैया? इसके जो है टी भाग का लोप हुआ भैया। अब क्या बनेगा? जो है आपके यहाँ पर दंडिक शब्द बनेगा, और जब दंडिक शब्द बनता है ना, तो यहाँ पर जो है प्रथमा विभक्ति एक वचन में, यहाँ पर जो है दंडिक है ऐसा शब्द बनेगा। यहाँ पर जो है दंडिन का दंडी बनता है, लेकिन दंडिक का दंडिक है, ऐसा एक प्रत्यय लास्ट में जहाँ पर भी आता है वहाँ ठन प्रत्यय होता है। ठय, ठप और ठक प्रत्यय भी होता है, लेकिन उसकी कंडीशन अलग है, इसकी कंडीशन अलग है। तो इसके चार सूत्र है, चारों को देख लेते हैं। दूसरा सूत्र ठश्येक है तो देख लिया, तीसरा भी देख लीजिए भैया। ये तीसरा वही सूत्र है जो अपने इन्हीं प्रत्यय में पढ़ा था, केशाद वो अन्य तरश्याम। केशाद सबसे वह प्रत्यय होता है और उसके साथ में अन्य तरश्याम यानी मतुपेन और ठन भी होता है। तो यहाँ पर अपन को जो है केश प्लस ठन प्रत्यय जोड़ना है। तो आप जानते हो केश के साथ में ठन पर जन, ठन का एक आदेश होता है। यहाँ पर ए का लोप हुआ तो आपको पता है केशिक शब्द बना, और केशिक का जब प्रथमा एक वचन में होगा तो केशिक है, तो केशिक में आपका जो है ठन प्रत्यय है। तो ये तीसरी बात भी आपको समझ में आ गई, स्क्रीनशॉट ले रहे हो और कॉपी में लिख रहे हो, मुझे पता है। चौथा सूत्र देख लीजिए, वो सेम टू सेम है जो आपके इन्हीं प्रत्यय में था। यहां पर व्रीही शब्द है और उसके बाद में आदिव्यश्च है। तो यहाँ पर जो है आपके व्रीही आदि शब्दों के साथ में इनी और ठन प्रत्यय जुड़ते हैं। तो यहाँ पर व्रीही शब्द के साथ में अपन को ठन प्रत्यय जोड़ना है। तो सिंपली आप समझते हो, यहाँ पर ई का लोप होगा और यहाँ पर आपके जो है एक आदेश होगा। तो यहाँ पर सिंपली आपका जो है व्रीही के अंदर छोटा कह व्रीहिक शब्द बनेगा, प्रथमा एक वचन में व्रीहिक है, इस तरह से आपका शब्द बने व्रीहिक। व्रीहिक का मतलब भी चावल वाला होता है। तो यहां पर व्रीहिक के अंदर जो है आपका ठक प्रत्यय, सॉरी ठन प्रत्यय है। तो ठन प्रत्यय आपने अच्छे से समझ लिया, और अब चलते हैं आगे। ग्यारहवां प्रत्यय आपका ठय प्रत्यय है, और ठय प्रत्यय का भी आपको पता है कि ठय का जो है यहाँ पर यह कट जाएगा और यहाँ पर जो है ठे शेष रहेगा, और ठय का ठश्येक सूत्र है। ठश्येक है सूत्र से जो जो है आपका ठय का एक आदेश हो जाएगा। तो इस तरह से इसके भी सूत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं। ठय प्रत्यय का पहला सूत्र पढ़ाने से पहले हम बात बता देते हैं कि जो ठय से शुरू होने वाले जो चार प्रत्यय है उसमें पहला ठक प्रत्यय है, उसके 17 सूत्र है जो हमने पार्ट वीडियो जो है आपके 21 के अंदर पढ़ाया था, और या पार्ट 23 के अंदर ये तीनों के तीनों पढ़ा रहे हैं। पार्ट 21 के अंदर आपका अण प्रत्यय और ठक प्रत्यय दोनों से एक ही वीडियो पूरा हो गया था, क्योंकि अण प्रत्यय के अंदर 27 सूत्र थे और जो है आपके प्रत्यय के 17 सूत्र थे। तो पार्ट 1 वीडियो वहीं समाप्त हो गया। अब आपका ठन प्रत्यय, ठय प्रत्यय और ठप प्रत्यय, ठन के चार सूत्र हमने पढ़ लिए और ठय का पहला सूत्र आपको दिख ही रहा है, और ठप प्रत्यय इसके जस्ट बाद में पढ़ने वाले हैं। तो ये भी आप है इनका कंपेयर करके अध्ययन करना, ठक प्रत्यय के उदाहरण ज्यादा है उनको अलग से लिखना, और ठन कहां-कहां आते हैं, ठय कहां-कहां आते हैं और ठप कहां-कहां आते हैं उसको याद रखना भैया। तो शुरू कर देते हैं आपका ठय प्रत्यय, और ठय प्रत्यय का जो है आपके अनुशतिक आदिनाम यानी अनुशतिक, अनुशतिक आदिनाम यानी आदि के योग में, आदिनाम आदियों का, च यानी और, अनुशतिक किसे कहते हैं? जहां पर दो जगह, दो जगह क्या होता है
वृद्धि होती है, वृद्धि आदेश होता है। वृद्धि आदेश होता है मतलब एक शब्द के अंदर जो है, एक शब्द के अंदर दो शब्द है ना, दो शब्दों का एक समाश है, उसके अंदर जो है आपका ठय प्रत्यय जुड़ेगा, ठीक है ना। तो वहां पर कौन सा आपके जो है ठय प्रत्यय होगा, तो वहां पर जो है दोनों के अंदर जो है आपके वृद्धि होगा। जैसे यहां पर अधिदेव शब्द है, अधिदेव, अधिदेव शब्द है और उसके अंदर ठय प्रत्यय जुड़ गया, ओके। तो यहां पर अधिदेव शब्द के अंदर, अधिदेव शब्द के अंदर जो है आपके ठय प्रत्यय का, तो आपका पता है यह कट गया और ठय को एक आदेश होता है ठस्य के सूत्र से, जो चार उदाहरणों को क्लियर करता है। यहां अधि और देव दो शब्द है, तो अधि के ए को क्या आदेश हो गया, अधि के ए को आ आदेश हो गया, आ, और यहां पर धी हो गया, आधी, और यहां पर देव का दे है वो गुण है, उसको वृद्धि आदेश हुआ तो दैव हो गया। तो और उसके बाद में वह के अंदर जो ए है, ए वो आपका टी भाग गया, उसका लोप हो गया और उसके बाद में एक जुड़ गया, तो यहां पर जो है आधी दए, वह के अंदर ही जुड़ा विक, आधिदैविक, तो यहां पर क्या शब्द बनेगा, आधिदैविक है, इस तरह से ये आपका शब्द बनेगा आधिदैविक है। उसके अंदर जो है आपका ठय प्रत्यय है, ये कभी भी मत भूलना। इसी तरह के दो उदाहरण और देख लेते हैं। यहां पर एक जैसे ई है लोक लिखा है, ई है लोक, ई है लोक का मतलब होता है इस लोक में, और दूसरा शब्द है आपका परलोक, एक शब्द है आपका परलोक, ठीक है ना, परलोक। इस तरह से दो शब्द है और एक आपका जो है जो अधिभूत शब्द है, अधिभूत, इन शब्दों के साथ में आपका ठय प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा भैया, आपको पता ही है ई को क्या आदेश होता है, आई आदेश होता है। तो ये यहां पर ई है लोक दो शब्द है, पर लोक दो शब्द है, अधिभूत दो दो शब्द है, तो इसके पहले वर्ड को वृद्धि आदेश होता है। वृद्धि क्या होता है वो चीज आपको पता नहीं है तो पढ़ना पड़ेगा भैया, अभी तक वीडियो देख रहे हो तो मतलब आपको सब कुछ पता है, नहीं है तो हमारे चैनल पर पूरी जानकारी कर लीजिए। तो ई का आई आदेश हुआ यहां पर है, और लो के अंदर ओ को औ आदेश होता है, तो लऊ बनेगा भैया, तो यहां पर किक हो जाएगा क्योंकि कह के अंदर एक जुड़ गया, आई है लौकिक और परलौकिक का पै का पा हो जाएगा पारलौकिक, और उसके बाद में जो है आपका अधिभौतिक है उसका आधी भौतिक, ठीक है ना, भूत का वो है उसको अहू आदेश होगा भाई, वृद्धि आदेश होगा। इस तरह से ये शब्द बनेंगे, वो आपके ठय प्रत्यय से ही बन सकते हैं। दूसरा सूत्र है आपके ठय प्रत्यय का, तेन कृतम, तेन यानी उसके द्वारा, तृतीया विभक्ति है, और कृतम यानी खरीदा हुआ, खरीदा हुआ, यहां पर कत प्रत्यय है, उसके द्वारा खरीदा हुआ, किसके द्वारा, जैसे मान लो कोई चीज है वो 70 रुपए की है, तो यहां पर सप्त ते प्लस ठय प्रत्यय लगा दो तो वो आपके जो है आदि वृद्धि करेगा, तो यहां पर क्या बनेगा, साप्त, साप्तत शब्द आ जाएगा, और उसके अंदर जो है एक प्रत्यय जो आपके ठय प्रत्यय का एक बनेगा वो जुड़ जाएगा। तो यहां पर जो है यहां लेके आ जाते हैं साप्तत प्लस जो है आपका एक जुड़ेगा, तो यहां पर जो है शब्द बनेगा वो बनेगा साप्त तिक, साप्ततिक, साप्ततिक ये शब्द है, इसका मतलब होता है 70 रुपए में खरीदा हुआ, 70 रुपए में खरीदा हुआ, यानी 70 रुपए की चीज है, कितने का है, 70 का है, तो साप्ततिक है, इसे संस्कृत में ऐसे बोलते हैं साप्ततिक है। अब मान लो कोई पहले पैसे तो होते नहीं, एक प्रस्थ, प्रस्थ किसे कहते हैं, एक मुट्ठी भर होता है ना, मुट्ठी भर चावल या कुछ भी, उसके अंदर ठय प्रत्यय जोड़ेंगे तो यहां पर प्रस्थिक बनेगा, प्रस्थिक, प्रास्थिक बनेगा, प्रस्थिक नहीं बनेगा, प्रास्थिक बनेगा, क्योंकि प्र को प्रा आदेश हो जाएगा आदि वृद्धि के हिसाब से, साप्ततिक प्रास्थितिक नहीं होगा क्योंकि लास्ट में थे आ रहा है, थे का एक आलोप होकर के प्रास्थिक इस तरह से बन जाएगा। तो तेन कृतम के अंदर भी आपका ठय प्रत्यय होता है, याद रख लेना। अब अगला सूत्र है तदर्हति, तदर्हति सूत्र ये कहता है तत् प्लस अर्हति, यहां पर जो है आपके तत् प्लस अर्हति का मतलब होता है उसके योग्य, उसके किसके,
जिसी के भी हो उसके योग्य हो, वहां पर जो है आपके ठय प्रत्यय आता है। जैसे यहां पर अपन ने लिखा स्वे छत्र है यानी सफेद छाता और उसके साथ में ठय प्रत्यय जोड़ा, तो आपको पता है कि यहां पर जो स आ गया उसके अंदर कुछ नहीं है तो स्वई इधर आ जाएगा, है ना। आदि वृद्धि करना है, वह का वही स्वई छत्रिक है, इस तरह से बन जाएगा यानी सफेद छाते के योग्य है। इस तरह से आपके तदर्थी सूत्र से एक शब्द बनेगा और तदर्थी सूत्र है जो आपको दिख रहा है कि जो आपके ठय प्रत्यय का होगा। अगला सूत्र है और ये आपके जो है ठय प्रत्यय का अंतिम सूत्र है, तेन यानी उसके द्वारा, तेन यानी उसके द्वारा निर्वृत्तम यानी निपटाया गया, है ना। उसके बाद में जो है आपके किसके द्वारा पूरा किया गया, वहां पर जैसे अहन शब्द है, अहन शब्द के साथ में ठय प्रत्यय जुड़ गया, तो यहाँ पर जो अहन शब्द है ना उसकी जो है उपदा है उसका जो है लोप नहीं होगा। अब वो आपको पता ही है राजन शब्द अहन शब्द, उसका जो है उपदा का लोप नहीं होगा। और यहाँ पर ठय प्रत्यय का क्या बनेगा, यहाँ पर अहन शब्द है और यहाँ पर जो अहन शब्द है उसके अंदर जो है आपके है भी लोप है, ठीक है ना, है भी लोप है यहां पर। तो यहां पर अहन शब्द है, एक ही स्वर है, एक स्वर वालों के लोप किसका करेगा, लोप तो स्वर का होता है अंतिम हल सहित, तो यहां पर एक लगा दिया, तो यहां पर जो है आपके ए को आ आदेश होगा आदि वृद्धि, तो यहां पर है तो आधा ही रहेगा और इस ने के अंदर जो ये ई जुड़ जाएगा तो यहां पर आहनिक है शब्द बनेगा या फिर आहनिकम लिख सकते हो। तो ये आपके उसके द्वारा निपटाया गया यानी एक दिन में जो कुछ किया जाता है उसे आहनिक कहते हैं, क्योंकि अहन का मतलब दिन होता है, उसके अंदर ठय प्रत्यय जोड़ा, तो इस तरह से आपका ये हो गया। अब आपका अंतिम रूप से ठप प्रत्यय भी पढ़ लेते हैं जिसका एक मात्र सूत्र है, वो भी अपवाद है भैया, और ये ठप प्रत्यय आपके जो है अन्य प्रत्यय का अपवाद है। अन्य प्रत्यय आगे पढ़ा जाएगा उसका अपवाद है ये, ठप प्रत्यय का अपवाद है अन्य प्रत्यय। तो ठप प्रत्यय तो मुख्य हो गया, तो देख लीजिए ये सूत्र आपका है प्रावृष ठप, यानी कि प्रावृष यानी वर्षा अर्थ में क्या होगा, ठप प्रत्यय होगा। तो यहां पर प्रावृष शब्द के साथ में ठप प्रत्यय होगा, तो यहां आपको पता है कि ये शब्द होगा प्रावृष और उसके साथ में ठप प्रत्यय जोड़ा तो पै का लोप हो गया भैया। अब यहां पर प्रावृष शब्द है उसके अंदर ठय का ठस्ये के सूत्र से एक आदेश होगा, तो यहां पर शब्द क्या बनेगा, प्रावृषिक है, प्रावृषिक है यानी वर्षा वाला। ये तो आपके हो गया, अब हो गया तो हो गया, लेकिन एक सूत्र है प्रावृष अन्य, तो वो एकमात्र सूत्र है और एक प्रत्यय करता है, तो यहां तो आपके जो है ये हम यहां पर 12वां प्रत्यय पढ़ रहे हैं और इस वीडियो का अंतिम पढ़ रहे हैं, तो वहां पर प्रावृषण्य इस तरह से शब्द भी बनेगा जो इसका अपवाद है। तो प्रावर्षिक है, प्रावृषण्य यानी प्रावृष यानी वर्षा, उस शब्द के योग में जो है आपके मतलब दो ही प्रत्यय होता है, एक ठप और एक आपका जो है अन्य प्रत्यय होता है। इन्हीं शब्दों के साथ में आज की मधुरवाणी को यहीं विराम देते हैं, क्योंकि हमने आज जो है 12 प्रत्यय पूरे कर दिए हैं तद्धित प्रत्यय के। शुरुआती प्रत्ययों के अंदर जो है सूत्र अधिक थे इसलिए इसमें टाइम ज्यादा लग रहा है, आगे वाले जो है प्रत्यय 78 प्रत्यय हम पढ़ेंगे तो वहां पर एक एक की सूत्र के अंदर तीन तीन प्रत्यय है जो है क्लियर होंगे, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट बन रहे हैं, इसलिए पूरे के पूरे जरूर देखें। तो आज की वाणी को यहीं विराम देते हैं, भगवान आपका भला करे, के शिक्षा गुरु को आज्ञा दीजिए, हे भगवान भला सबका करो लेकिन शुरू हमसे करो।